रिसेंटली मैं एक ऑफिशियली प्रोग्राम नहीं अटेंड किया है, बट मैं श्री रामदास साहब एंड हरिमंदर साहब जरा नतमस्तक रहने वाला इतने मैं खालसा कॉलेज यूनिवर्सिटी पढ़िया और हमेशा ही जो खालसा कॉलेज पढ़ता सी तो मैं दरबार साहब छोटी उम्र तो ही आता जाता रहता सी और मेरी आस्था आ बड़ी जिम्मेवारी मिली है, एक मंत्रालय मिलिया, उसके बाद काफ़ी सरगर्म रहते हो की मुश्किल देखने मिलते लोगों का दिन बस श्री गुरु रामदास महाराज ने असी मेहनत करनी है गुरु महाराज ने आपे ठीक करना। डेफिनेटली मैं एक ऑफिशियली प्रोग्राम नहीं अटेंड किया है, बट मैं श्री रामदास साहब एंड हरिमंदर साहब जरा नतमस्तक होने वास्ते आया क्योंकि मैं इतों का रहने वाला इतने मैं खालसा कॉलेज यूनिवर्सिटी पढ़िया और हमेशा ही जो खालसा कॉलेज पढ़ता सी तो मैं दरबार साहब छोटी उम्र तो ही आता जाता रहता और मेरी आस्था आ बड़ी जिम्मेवारी मिली है, एक मंत्रालय मिलया, उसके बाद काफ़ी सरगर्म रहते हो की मुश्किल देखने मिलते लोगों दिन बस श्री गुरु रामदास महाराज ने असी मेहनत करनी है गुरु महाराज ने आपे ठीक करना। डेफिनेटली मैं एक ऑफिशियली प्रोग्राम नहीं अटेंड किया है, बट मैं श्री रामदास साहब एंड हरिमंदर साहब जरा नतमस्तक होने वास्ते आया क्योंकि मैं इतों का रहने वाला इतने मैं खालसा कॉलेज यूनिवर्सिटी पढ़िया और हमेशा ही जो खालसा कॉलेज पढ़ता सी तो मैं दरबार साहब छोटी उम्र तो ही आता जाता रहता और मेरी आस्था आ बड़ी जिम्मेवारी मिली है, एक मंत्रालय मिलया, उसके बाद काफ़ी सरगर्म रहते हो की मुश्किल देखने मिलते लोगों का दिन बस श्री गुरु रामदास महाराज ने असी मेहनत करनी है गुरु महाराज ने आपे ठीक करना। डेफिनेटली मैं एक ऑफिशियली प्रोग्राम नहीं अटेंड किया है, बट मैं श्री रामदास साहब एंड हरिमंदर साहब जरा नतमस्तक होने वास्ते आया क्योंकि मैं इतों का रहने वाला इतने मैं खालसा कॉलेज यूनिवर्सिटी पढ़िया और हमेशा ही जो खालसा कॉलेज पढ़ता सी तो मैं दरबार साहब छोटी उम्र तो ही आता जाता रहता और मेरी आस्था आ बड़ी जिम्मेवारी मिली है, एक मंत्रालय मिलया, उसके बाद काफ़ी सरगर्म रहते हो की मुश्किल देखने मिलते लोगों दिन बस श्री गुरु रामदास महाराज ने असी मेहनत करनी है गुरु महाराज ने आपे ठीक करना।